दोस्तों अब हम चेकआउट कर रहे हैं ऋषिकेश होटल से। ये हमारे दोस्त रवि और ये हर्षित जो बिजी हैं अभी, तो अब चेकआउट करके हम राम झूला नीचे जाएंगे, एंजॉय करेंगे और ब्लॉग शूट करेंगे। तो जुड़े रहें हमारे ब्लॉग के साथ, विमल ब्लॉग के साथ। तो ये होटल से चेकआउट कर चुके हैं, अब आपके सामने होटल के सामने का दृश्य दिखाते हैं। जब हम राम झूला जा रहे हैं, इस साइड बंद है आज, तो हमें लक्ष्मण झूला बंद है, तो आज राम झूला बंद जाना पड़ेगा। सीता राम धाम ये ऋषिकेश की गलियों में आपको कुछ मंदिर, बड़े छोटे, ये भोलेनाथ का मंदिर, अब कुछ हल्का फुल्का नाश्ता किया जाएगा थोड़ी देर में। आप देख सकते हैं ऐसा रूट ट्रैक है ऋषिकेश का, या रोड बोलो, रोड है। हम पैदल जाएंगे, 3 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर तो है नहीं। और ये ऋषिकेश से कुछ बाबा जी आ रहे हैं, और एक तो हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, और कुछ पहले खाएंगे हम उसके आगे, फिर दर्शन करेंगे। आप देख सकते हैं राम झूला नीचे, अभी यहाँ जाएंगे राम झूला। चलो कभी हम इस दृश्य को मोबाइल पे देखा करते थे, आज हमें भोलेनाथ कृपा हुई कि हम लाइव आंखों से देख रहे हैं। गंगा माता यहाँ से धीरे उतरे। राम झूला की ओर चलते हुए आप देख सकते हैं सामने गंगा माता, हम यहाँ नहाएंगे और आपके सामने राम झूला का दृश्य आपको आगे जाके हम दिखाएंगे। ब्रेकफास्ट हो रहा है, एकदम अच्छी और ठंडी हवा आ रही है, और जब आप यहाँ चलोगे तो आपको हल्का डर भी लगेगा क्योंकि हिलता रहा है ये,
और आगे से गाड़ियां आ रही हैं, जबकि चलने वाला है। सिर्फ लोग बेशर्म हैं कि इस पर गाड़ियाँ ले के जा रही हैं। पूरा आनंद और ये देख सकते हैं ऋषिकेश, यहाँ लोग स्नान का मजा ले रहे हैं। जैसे मस्तक पे चंगा है गंगावती जटाओं में, जैसे रखना है अविनाशी मुझे तंगली
हमारा ऋषिकेश में गंगा में डुबकी लगाते हुए छोटा सा व्यू वीडियो अपने शरीर से मैल निकाल रहे हैं मड़मड़ के। तो कहते हैं ना कि आज तो मैं भी चमक जाऊंगा, चमक जाएगा, ये बहुत आनंद ले रहा है, हम भी बहुत आनंद। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग के, तब तक बने रहे विमल ब्लॉग्स के साथ। थैंक यू।